दोस्तों, सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपके साथ तब होते हैं जब पूरी दुनिया आपको छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों से खूबसूरत दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है, दोस्तों से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। पर आपको क्या लगता है कि सच्ची दोस्ती सिर्फ इंसानों के बीच ही होती है? तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि दोस्ती तो एक फीलिंग है, एक भरोसा है जो कि किसी के बीच भी हो सकता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दो जानवरों के बीच की दोस्ती दिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटे सा रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नंबर वन, हाथी और कुत्ते की दोस्ती। दोस्तों, हाथी दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक है, वहीं कुत्ता हाथी के मुकाबले बहुत छोटा सा होता है। लेकिन कुत्ते जैसा वफादार कोई और कहां होता है। इस अनोखी कहानी में हम आपको कुत्ते और हाथी के बीच ऐसी दोस्ती दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप भी कहोगे कि भाई, दोस्ती में कोई साइज, कोई जाति, कोई बिरादरी मायने नहीं रखती। दोस्तों, ये हाथी डेनमार्क में बहुत पॉपुलर था। कभी इस हाथी ने फिल्मों में भी काम किया था, कई सारे एड्स भी मिले। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती चली गई, वैसे वैसे ग्लैमर भी जाने लगा। दोस्तों, इस हाथी को जू में भेज दिया गया जहां इसे कोई पहचानता नहीं था, कोई इसके साथ खेलता नहीं था। लेकिन कुछ दिनों बाद इसकी दोस्ती हुई इस कुत्ते से। अब यकीन नहीं कर सकते, इन दोनों के बीच इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये साथ ही रहने लगे, एक दूसरे की हेल्प करने लगे। हाथी इस कुत्ते को अपनी पीठ पर बिठाकर पानी में मस्ती कराता था। ये देखिए कैसे कुत्ता हाथी के शरीर से छलांग लगाकर पानी में कूदता था। इन दोनों को देखकर एक बात तो कही जा सकती है कि दोस्ती हो तो ऐसी हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। नंबर टू, दोस्तों, इस कहानी को देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी बहुत हार्ट टचिंग है। ये देखिए कैसे एक छोटा सा कुत्ता एक गाय के साथ लिपटा हुआ है। दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है। जब ये कुत्ता पैदा हुआ था तभी इसकी माँ दुनिया छोड़ गई थी, इसे पालने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर इसे साथ मिला एक गाय का, जिसने इसे माँ की तरह पाला, इसका ख्याल रखा, इसके साथ समय बिताया, जितना हो सकता था इसे प्यार दिया। दोस्तों, गाय और छोटा सा कुत्ता बिल्कुल माँ बेटे की तरह रहते थे। इनका मालिक भी एक ही था। लेकिन कहते हैं ना कि हर खूबसूरत रिश्ते पर किसी न किसी की नजर तो लगी जाती है, वही हमें यहाँ भी देखने को मिला। एक दिन गाय के मालिक ने पैसों की वजह से गाय को बेच दिया। जब गाय को लेने के लिए कोई और इंसान आया तो उस समय इस बेटे समान कुत्ते का रिएक्शन आपकी आंखों में आंसू ला देगा। इस बेबस आवाज को भी जरा सुनिए, यह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये किस तरह रो रहा है, लेकिन फिर भी गाय को बेच दिया गया। दोस्तों, गाय जहां गई, एक दिन ये छोटा सा कुत्ता सूंघते हुए वहां पहुंच गया। ये देख उसके मालिक ने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए वो गाय को वापस घर लाएगा। जिस दिन गाय वापस घर आई, ये उस दिन की तस्वीर है। ये छोटा सा कुत्ता कितना खुश है, जरा देखिए और कुछ सीखिए। दोस्तों, इन दोनों के रिश्ते के नाम पे एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है। साथ ही दोस्तों, हमारे बीच भी हमेशा के लिए रिश्ता बन गया है। कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर। नंबर थ्री, दोस्तों, जंगल का बादशाह कौन? शेर, जाहिर सी बात है। इससे बड़ा खतरनाक कोई जानवर इस दुनिया में है ही नहीं। इसे देखकर ही लोग डर जाते हैं। आपको बता दें कि हर साल तकरीबन 600 लोगों पर शेर हमला करता है। लेकिन ये कहानी बहुत अलग है। यहाँ हम आपको शेर और कुत्ते के बीच एक अलग ही दोस्ती दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे शेर के सामने ये दो छोटे से कुत्ते मस्ती कर रहे हैं। ये कोलंबिया का एक चिड़ियाघर है। दोस्तों, यहाँ इस शेर और इन दोनों छोटे कुत्तों के बीच बहुत ही प्यारा रिश्ता है। सबको लगता होगा कि शेर के सामने अगर ये कुत्ते जाएंगे तो जंगल का राजा इन्हें हॉट डॉग समझकर खा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए दोस्तों, कैसे ये कुत्ते और शेर आपस में मस्ती कर रहे हैं, कैसे ये दोनों एक दूसरे को प्यार दे रहे हैं, एक दूसरे को चाट रहे हैं। जानवरों का यही तो स्टाइल होता है एक दूसरे को प्यार दिखाने का। दोस्तों, शेर और कुत्ते आपस में भागम भाग भी खेलते हैं। जी हाँ, ये खूब मस्ती करते हैं। यहाँ देखिए, कभी शेर के पीछे कुत्ते तो कभी कुत्तों के पीछे जंगल का राजा, दोनों साथ में खाना खाते हैं। शेर के दिल में किसी दूसरे जानवर के लिए इतना प्यार शायद ही पहले कभी देखा होगा, भाई कमाल है। दोस्तों, जब केयर टेकर इन कुत्तों को शेर से दूर ले जाता है तो शेर की बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही कुत्ते इसके पास आते हैं, ये खुश हो जाता है। दोस्तों, ये दोनों ही छोटे छोटे कुत्ते कई बार शेर को परेशान भी करते हैं, लेकिन जंगल का राजा इनसे कुछ नहीं कहता है। यहाँ देखिए तीनों कैसे आपस में मस्ती कर रहे हैं। वैसे भी कहा जाता है कि शेर कुत्तों पर बड़ा मेहरबान रहता है, शायद हम इसी का नजारा यहाँ देख रहे हैं। एक बात तो तय है कि दुनिया में सब प्यार के भूखे हैं, और सच्चा प्यार मिलने पर जानवर भी खुश नजर आते हैं। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, कुत्तों में कुछ तो बात है जो इनसे सब प्यार करने लगते हैं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर फोर, दोस्तों, अब तक तो आपने हर कहानी में कुत्ते को देखा है, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो बहुत अलग है।
जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में दोस्ती और अटूट प्यार का एक रिश्ता एक चिंपैंजी और दो बाघ के बच्चों के बीच में देखने को मिला। दोस्तों हुआ ये कि अमेरिका में जून 2014 को भयानक आंधी आई थी, जिसकी वजह से ये बाघ के दो बच्चे अपनी माँ से जुदा हो गए थे। दोस्तों इनके लिए माँ का प्यार मिलना बहुत जरूरी था, लेकिन ये बात शायद ये छोटे छोटे बाघ के बच्चे नहीं जानते थे कि अब इनकी माँ इनसे नहीं मिल पाएगी। ऐसी हालत में इन दोनों बाघ के बच्चों को एक जू में लाया गया, जिसकी जिम्मेदारी अलीना नाम की इस लड़की को दी गई। अलीना के साथ शुरू से ही एक चिंपैंजी रहता था। जब उसे पता चला कि इन मासूमों की माँ इस दुनिया में अब नहीं रही, तो इसने इन्हें पालने की जिम्मेदारी संभाल ली। यहाँ देखिए ये कैसे बाघ के बच्चों के साथ खेल रहा है। जी दोस्तों, चिंपैंजी को तो वैसे भी कहा जाता है कि ये बड़े समझदार जानवर होते हैं, और आज हमने इनकी समझदारी देख ली है। ये कभी भी बाघ के बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता था, ये हमेशा उनके साथ खेलता था, उनके साथ रहता था, उनका बेस्ट फ्रेंड बन गया। दोस्तों आपको बता दें कि ये बाघ के बच्चों को दूध भी पिलाता था, और ये सब चिंपैंजी अपनी मालकिन अलीना के कहने पे करता था। जरा इनके बीच इस प्यार को देखिए, जरा इन सबके बीच इस दोस्ती को देख लीजिए। इंसान तो दोस्ती में भी फायदा नुकसान ढूंढता है, लेकिन जानवरों की बात ही कुछ और होती है। धीरे धीरे बाघ के बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन इनके बीच की बॉन्डिंग भी और मजबूत होती चली गई। चिंपैंजी जो कि हर चीज को समझती है, उसने दिखा दिया कि उनके लिए माँ बनना बड़ी बात नहीं है। सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती के सामने सारे रिश्ते फीके नजर आते हैं। ये कहानी भले ही जानवरों की थी, लेकिन ये हमें भी बहुत कुछ सिखा गई। दोस्तों आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। नंबर 5। दोस्तों इस ओरांगटांग और कुत्ते की कहानी भी बहुत मस्त है, काफी इमोशनल है ये कहानी। इस कहानी से भी हमें दोस्ती के मायने समझ में आते हैं। दोस्तों ओरांगटांग एक प्रकार का बंदर ही होता है, जो कि बंदरों से थोड़ा बड़ा और ज्यादा बालों वाला होता है। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर की। दरअसल हुआ ये कि ओरांगटांग बीमार चल रही थी। कई जानवरों के डॉक्टर ने इसे देखा, लेकिन ये ठीक नहीं हो सके। सबको लगा कि अब इसे शायद कोई नहीं बचा सकता। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अगर जिंदगी में कोई सच्चा दोस्त मिल जाए तो उसके बाद जिंदगी आसान हो जाती है। वही हुआ इस ओरांगटांग के साथ। एक आवारा कुत्ता जिसे कोई पालने को तैयार नहीं था, जिसे कोई खाना नहीं देता था, उसे जू वालों ने पकड़ा। लेकिन किस्मत देखिए उस ओरांगटांग की कि वो कुत्ता उसी के पास आ गया। फिर तो न जाने दोनों के बीच में कैसी दोस्ती हुई, ये दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता गया, ये एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। इतना ही नहीं, जिस ओरांगटांग के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये शायद ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, वो अचानक ठीक हो गई। दोनों रात दिन मस्ती करते रहते थे। कुत्ता ओरांगटांग के साथ घूमता रहता था, ओरांगटांग भी उसे दूध पिलाती थी। ये देखकर जू के लोग भी बड़े खुश थे कि ओरांगटांग स्वस्थ हो रही है। कुत्ता भी ओरांगटांग को हद से ज्यादा प्यार करता था। इन दोनों को देख बाकी जानवर भी जू में मिलजुल कर रहने की सीख ले रहे थे। इतनी अच्छी दोस्ती तो भाई इंसानों के बीच भी नहीं होती। ओरांगटांग और ये कुत्ता आपस में डांस भी करते थे। ये देखिए ये कैसे नाच रहे हैं, एक दूसरे से लिपट रहे हैं। कुत्ता आगे आगे चला जा रहा है तो ओरांगटांग उसके पीछे पीछे चल रही है। कमाल है भाई दोनों की दोस्ती। वैसे दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि स्कूल में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था, और आप दोनों मिलकर कैसी कैसी शरारतें करते थे। दोस्तों प्यार की सीख को इंसान ही इंसान को दे, ये जरूरी नहीं है। कई बार कई चीजें हमें जानवरों से भी सीखने को मिलती हैं। लेकिन इस वीडियो में भी सबसे ज्यादा कहानियां और दोस्ती की मिसाल कुत्तों की तरफ से ही हमने देखी हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कुत्ता इंसानों के लिए वफादार क्यों होता है। इसका सीधा सा मतलब तो यही है कि उसे आप भोजन देते हैं, साथ ही आप उसे आवास प्रदान करते हैं, इस वजह से वो आपके प्रति वफादार हैं। जाहिर तौर पर यदि आप किसी और जीव के साथ भी ऐसा करेंगे तो उसके अंदर कुछ हद तक वफादारी विकसित हो जाएगी, लेकिन कुत्ते जितनी वफादारी विकसित नहीं हो पाएगी। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि कुत्ते परिवार के सदस्य से अधिक लगाव रखते हैं, यही वजह है कि वो आपके प्रति वफादार होता है। दोस्तों क्या आपने कभी एक मछली और इंसान के बीच की दोस्ती की बात सुनी है? नहीं सुनी होगी, लेकिन आज पहली बार आप इसे देख भी लीजिए। दोस्तों ये कहानी है जापान के एक स्विमर और समुद्र के नीचे की एक मछली के बीच की। आपने एशियन शीप हेड रैस का नाम सुना होगा, ये एक समुद्री मछली है। बात यूं हुई कि जापान के स्विमर नाकामुरो जब समुद्र के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक मछली काफी ज्यादा चोटिल है। उस मछली को इतनी गंभीर चोट लगी थी कि वो समुद्र में तैर भी नहीं पा रही थी। वो कई दिनों से भूखी थी, ऐसा लग रहा था कि उसका मरना तय है। लेकिन नाकामुरो ने उस चोटिल मछली की मदद की, उसे खाना खिलाया, वो भी कोई एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे के पूरे 18 दिनों तक। रोज वो समुद्र के नीचे जाकर उस मछली को खाना खिलाते थे। कुछ दिनों बाद मछली पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, वो बिंदास एक बार फिर पानी के अंदर तैरने लगी, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों मछली और नाकामुरो के बीच हमेशा हमेशा की दोस्ती हो गई। दोस्तों आज 10 साल हो गए हैं नाकामुरो और इस मछली के बीच की दोस्ती हुए। कई साइंटिस्ट तो इनके बीच के रिलेशन पर स्टडी भी कर चुके हैं और सबने माना कि ये एक रियल फ्रेंडशिप है। इन दोनों को देखकर एक बात तो साफ नजर आती है,
दोस्तों वो ये है कि अगर आपका दिल साफ है तो दुनिया में आपको दोस्तों की कमी कभी नहीं खलेगी। वैसे ही आप हमारे दोस्त हैं और हमारी ये दोस्ती भी हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें।